अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला, वेलकम टू फूडी मूवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आए, लेकिन हाँ, हम आपके लिए एक बहुत अच्छा सीक्रेट लेके आए हैं। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हम लोग सालन बनाते हैं तो टमाटर सही उसमें गलते नहीं है या टमाटरों के छिलके आते हैं, तो इसी चीज को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए एक सीक्रेट लेके आए हैं कि आप बगैर टमाटर के छिलके के टमाटर को हांडी में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे जो है फायदा ये होता है कि टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल भी जाते हैं। तो ये एक रेसिपी बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं जी। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था एक ट्रिक का, तो अब हम उस ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, तो पहले आप एक कांटे पे टमाटर को इस तरीके से लगा लें, चूल्हा जला के टमाटर को चूल्हे पे हल्का हल्का इतना रोस्ट करना है आपने कि इसका जो ऊपर छिलका होता है वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा जो है जलना शुरू हो जाए, यानी कि लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए। उससे ये होता है कि जब ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो हम इसका छिलका आसानी से उतार सकते हैं। और हम ये छिलका आसानी से इसका उतार लेंगे तो सालन में ये देख सकते हैं आप, ये इसके यहाँ पे ये ऐसे ऐसे आ रहा है। इस तरीके से आप टमाटर को रोस्ट कर लें और ज्यादा भी नहीं जलाइएगा। अगर ज्यादा करेंगे तो फिर जब आप इसको सालन में डालेंगे तो जलने पर की बदबू आएगी। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से ये टमाटर को रोस्ट कर लें ताकि जो इसका छिलका चारों तरफ से सब जगह से अच्छी तरीके से हो जाए। ये देख सकते हैं आप, हमारा टमाटर अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। ये देखें, ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया। अब दूसरा टमाटर भी हम इसी तरीके से रोस्ट करेंगे, फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा हमने इसके साथ क्या करना जी। ये देख सकते हैं आप, दूसरा टमाटर भी मैंने इसी तरीके से लगा लिया छुरी पे, इसको भी इसी तरीके से रोस्ट करेंगे। इससे आसानी ये होती है कि जब आप इसको सालन में डालते हैं तो ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है गलने में, और जिनको शिकायत होती है कि हमने छिलका आ रहा है, छिलका आ रहा है, तो छिलका हटाने का तरीका उनको नहीं पता होता, तो इस तरीके से रोस्ट टमाटर को करके इसका छिलका उतार सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली इसका छिलका उतरना शुरू हो गया। ये भी हमारा तकरीबन रोस्ट हो गया है। अब इसके साथ आगे क्या करना है ये अब आपको बताते हैं जी। आप देख सकते हैं टमाटर को हमने इस तरीके से रोस्ट कर लिया। ये देख सकते हैं आप, इसका छिलका अच्छी तरीके से ये रोस्ट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, ये जो छिलका हमने रोस्ट किया, इसके छिलकों को हाथ से पकड़ के इजीली आपने इसको रोस्ट किया हुआ है तो ये छिलके इजीली इसके उतर जाएंगे। इस तरीके से आप इसके छिलके उतार लें। ये जब आप रोस्ट करेंगे तो रोस्ट जो इतना करिएगा कि सिर्फ छिलके जलें, अंदर से टमाटर ना जलें, क्योंकि बाद अगर ज्यादा आप कर लेंगे तो जो है टमाटर में फिर जलेपन की महक आ जाती है, तो फिर सालन में अच्छा नहीं लगता। ये देख सकते हैं आप, टमाटर ये छिलका हमने उसका उतार लिया इस तरीके से। ये दूसरे वाले का भी हम इसी तरीके से करेंगे। और एक बात का जरूर ध्यान रखा करें, जब भी आप हाथ से कोई काम करें तो ये मेक श्योर कर लें कि आपके हाथ अच्छी तरीके से साफ हो और जो है कोई बैक्टीरिया आपके हाथ में ना लगा होता। अगर ऐसा ना करें तो कुछ घर में प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी वगैरह इससे फैल सकती है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये टमाटर के छिलके हमने उतार लिए और इस टमाटर के भी छिलके उतार लिए। ये बहुत आसान और बहुत अच्छी ट्रिक है, आप बहुत आसानी से इसको खाना बनाने से पहले जस्ट 2 मिनट में ये कर सकते हैं आप। ये बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से, और इसका एक फायदा ये भी है कि आप जब इसको खाने में यूज करेंगे तो छिलके बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और आपकी जो रेसिपी है, आप जो भी चीज तैयार कर रहे हैं वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी, सही टमाटर जल्दी भी गल जाएंगे। तो ये था आज का मेरा सीक्रेट। आप लोग को पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक दें इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह।